मॉर्निंग एवरीवन, समय हो रहा है सुबह के 8:25 और हम अपने फ्लोर में आ चुके हैं और आज ये सारा मटेरियल ला के देना है इन्हें। अभी वो कुछ देर में आएंगे, पता नहीं आज बारिश बहुत हो रही है, वो आएंगे कि नहीं आएंगे वो भी पता नहीं है, बट हमें तो अपना काम करना है। सारा लपम और इसका मटेरियल कुछ उन्होंने स्लिप दी है, वो चिट्ठी के अनुसार लेके आना है, सब जाकर लेके आएंगे और उसके बाद हम यहाँ से चलेंगे। फिर दोपहर में एक छोटा सा काम है, वो काम जैसे कंप्लीट होगा उसके बाद घर आएंगे, वापस लंच करेंगे। लंच करके फिर से शाम में आज बाबा का कीर्तन है तो कीर्तन में जाना है और साथ में आज जग्गी भाई रहेंगे टाइट पर और ढोलक पर चेतन भाई रहेंगे। बहुत मज़ा आने वाला है आज, बहुत दिनों के बाद, दिन का 3 दिन हो गया प्रोग्राम किए हुए, अब उंगलियां ऐसे ऐसे हो रही है मेरी भी घर में, तो फाइनली आज प्रोग्राम है, आज से कंटिन्यू, आज कल परसों तरसों कंटिन्यू है। मेरे हिसाब से मंडे के दिन नहीं रहेगा एक दिन का काम, क्योंकि उस दिन परमिशन नहीं मिल रहा क्योंकि यहाँ पे जुलूस है, तो उस वजह से मंडे के दिन का तो काम आई थिंक नहीं होगा, बट नहीं बोल सकते अभी तक, उन लोगों ने कैंसिल भी नहीं किया है काम, तो देखते जैसे भी होता है। मंडे के दिन वैसे अगर मिल जाए छुट्टी तो हम भी इंजॉय करेंगे। गाइस देख सकते हो प्रोग्राम के लिए निकलना है, बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही, इससे भी जाना पड़ेगा, लेकिन इंस्ट्रूमेंट्स को कैसे चेक करके ले जाऊँ समझ में नहीं आ रहा भाई, रुकने का नाम ही नहीं ले रही बारिश, सुबह से कंटिन्यू गिर ही रही है। फाइनली भाई लोग देसी जुगाड़ करके निकल चुके, बारिश से रुकने का नाम नहीं ले रही है। अभी हमने पेट्रोल भरवा लिया है, अब यहाँ से सीधा चेतन भाई के यहाँ, इससे आगे शायद बारिश में व्लॉग बना नहीं पाऊंगा। फाइनली गाइस पानी से लड़ते झगड़ते चेतन भाई, मनीष भाई जो कि साउंड ऑपरेटर है हमारे, और हमारे जग्गी भाई, इन दोनों से तो मिल चुके हैं पहले, ये हमारे मनीष भाई, ऐसे ही एक के बाद एक काफ़ी बड़ा ग्रुप है हमारा, 30 से 40 लोगों का ग्रुप है, तो धीरे धीरे एक कर कर सबसे मिलेंगे हम। तो बारिश से लड़ते झगड़ते स्पॉट पे आ गए, साउंड चेक भी हो गया, बाबा का दरबार भी सज गया, बस कुछ ही देर में भजन आरंभ हो जाएंगे और जैसे ही भजन आरंभ होंगे देखता हूँ जितने क्लिप्स आप तक भेज सकता हूँ उतने क्लिप्स रिकॉर्ड करेंगे, तो बना भी नहीं सकते हम, कोशिश करेंगे 10 मिनट में जितना कवर कर सके उतना कवर करें। चलो मिलते हैं कुछ देर में, बाय बाय। भजन सुन रहा है, ताली बजाओ ना भाई और बंधु निर्मल भाई, कुटुंब कबीलों, एक दिन लोहे और सोने में आपस में बात हुई, सोने ने लोहे को ताना मारा, अरे लोहे तुझे भी आग में तपाया जाता है, मुझे भी आग में तपाया जाता है, तुझे भी हथौड़े से पीटा जाता है, मुझे भी हथौड़े से पीटा जाता है, मुझसे आवाज नहीं आती, तू इतना चीखता चिल्लाता क्यों है? तो लोहे ने कहा, अरे सोने तो बिल्कुल ठीक कहता है, तुझे भी आग में तपाया जाता है, मुझे भी आग में तपाया जाता है, मगर फर्क सिर्फ इतना है कि जिस लोहे की हथौड़े से तुझे पीटा जाता है वो तेरी कुछ नहीं लगती, मगर जब अपना अपने को मारता है तो दर्द ज्यादा होता है। इसीलिए बाबा भाई और I keep
तो फाइनली गाइस यहाँ पर हमने कीर्तन किया था, अभी कीर्तन खत्म हो चुका है। मैं और चेतन भाई दोनों बैठे हैं यहाँ पर। बारिश तो पीछा छोड़ ही नहीं रही है, अभी भी बारिश गिरते जा रही है, गिरते जा रही है। चेतन भाई क्या तकलीफ हो रही है चीज में? अब तकलीफ क्या है? नहीं, बारिश इतना गिर रही है, अपन कल भी काम है, परसों भी अपने को पैसा जाएंगे, वो भी सही है, लेकिन वो टू मच परेशान कर रही बारिश। सही बात है, मैं पट्टा हूँ, उल्लू ये उल्लू का पट्टा। ब्यूटी पार्लर है, दिख रहा है। जुगी भाई क्या हुआ? जुगी भाई पानी पड़ रहा है भाई, यहाँ बहुत बहुत भयानक पानी पड़ रहा है। देखो यहाँ पर पादरपुर में हम लोग, और ये मेरे ख्याल से लास्ट पोस्ट है, घरों को जाने वाले हैं। गुड नाइट हो गई है, अब बहुत नींद आ रही है, और कल भी हमको प्रोग्राम है। बारिश ऐसी गिरेंगे तो क्या करेंगे? बारिश गिरी तो रेनकोट है जिंदाबाद। कोई बात नहीं, ऊपर वाला मेहरबान तो गधा भी पहलवान है। आपके बारे में बोल रहे हैं? कुछ नहीं बोल रहे हैं। आपके बारे में बोल रहे हैं? जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम भाई। बिल्कुल, अभी बोल श्याम प्यारे की जय। हाँ बिल्कुल, थारी माया को कोई पायो पार रे, भाई सा तो चलता बेटा लिया खा रे, मारवाड़ी को दिया वे मत मारवाड़ का, मत मारवाड़ी बात करना रे छोरा। हाँ सही बात है यार, क्यों बोला तू? लेकिन अपने देखने वाले ऑडियंस हिंदी बात करने वाले भी है, अंग्रेजी, तेलुगु, मराठी, गुजराती, कन्नड़, मराठी सब मिला है। बिल्कुल, तो फाइनली गाइस समय हो रहा है रात के 12 बजे, 12 बज चुके हैं, और ये हमारे बाला भाई, चेतन भाई, बाला भाई, ये बाला भाई है हमारे, जो कि श्याम बाबा के बड़े प्रिय भक्त हैं, जो हर बार कीर्तन कराते हैं। कन्हैयाजी मित्तल के बहुत बड़े फैन है, कन्हैया मित्तल जी के बहुत बड़े फैन है। बाबा की आसिम कृपा, बहुत अच्छा भजन भी गाते हैं, कभी मौका मिल जाए आगे तो जरूर ब्लॉग में डालूंगा इनके भजन भी। और बाला भाई, बारिश ऐसा गिर रही, क्या बोलना है आपका? बारिश ऐसा गिर रही भाई, जो काम होने थे वो काम रुक जा रहे, लेकिन बाबा की कृपा ऐसी होगी कि जो फसल कई दिनों से किसान बोने जा रहा है, नहीं बो पा रहा है, तो फसल उगेगी तो हमको अनाज मिलेगा। बोल श्याम प्यारे जय। ये होते भक्त जो के कामी में भी कुछ ना कुछ एक अमूल्य वर्ड ढूंढ के निकाल दिए साहब। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया था, बहुत बढ़िया। ये होते हैं शाम प्यारे के भाई, जग्गी भाई, 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 भाई। बाय बाय बोल दिया ना, मिलते हैं सुबह कल वापस। एक बहुत बड़ा लोचा हो गया, कल सब अलग अलग जा रहे हैं वापस, तीन टीम जाएगी कल। एक टीम में मैं रहूंगा, एक टीम में चेतन भाई, एक टीम में जग्गी भाई, तो तीन कार्यक्रम एक साथ सेम टाइम पे है, तो कल तीनों मिलके तीन ग्रुप हैंडल करेंगे। और जग्गी भाई जाएंगे मुरलीधर मंदिर, चेतन भाई जाएंगे शिकारा अपार्टमेंट, और मैं जाऊंगा अंदर ही कबूतर खाना। हाँ बिल्कुल, तो बस ऐसे ही लाइक करते रहे, खाने को जा रहे तो कबूतरों को दाना डालना मत भूलना। बिल्कुल बिल्कुल साहब, बिल्कुल बिल्कुल डालेंगे। अभी बजे रहे रात के 12 बज चुके हैं, मेरे हिसाब से 12:30 के आसपास समय हो चुका है। अभी भी बारिश गिर रही है, और बारिश कंट्रोल नहीं होती, गाड़ी साइड में रोक लिया हमने, पता नहीं कब तक चलेगी बारिश। और भाई साहब, बारिश बोले अपना काम, इतनी बारिश, जो घर से निकला, जब से जो बारिश स्टार्ट हुई, गए प्रोग्राम करे, वापस आ रहे, डबल हो गई बारिश, पूरा कपड़े भीग गए, सब कुछ भीग गया, लेकिन इंस्ट्रूमेंट सेफ था, इंस्ट्रूमेंट को तो कोई प्रॉब्लम हुआ नहीं। तो घर आ गए, वक्त हो रहा है रात के 1:22, और कुछ खाया नहीं था वहां पर,
क्योंकि बारिश रुकी नहीं रहती, थोड़ी सी बारिश कम दिखी तो उस वजह से हम लोग जल्दी जल्दी निकल गए थे वहाँ से, तो भोजन वगैरह किए नहीं, तो घर आ गए हैं अभी। यहाँ पर हमारी धर्मपत्नी मेरे लिए बैम्बिनो बना रही है क्योंकि भूख लग रही है, चावल खाने का मन नहीं कर रहा। तो फाइनली गाइस आज बहुत मज़ा आया। आज आपको व्लॉग कैसा लगा? और काफ़ी सारी मस्ती भी की आज और बहुत मज़ा आया प्रोग्राम में। एक तरफ से बारिश का तो टेंशन थोड़ा था। देखो इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट है, थोड़ा भी अगर पानी अंदर जाता है तो बहुत सी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी सामने। और दूसरी चीज़, सीजन का टाइम है, बैक टू बैक कीर्तन्स है, इतने नहीं मेरे हिसाब से। अब मैं सीधा 2 या 3 तारीख के दिन फ्री होऊंगा, तब तक कंटिन्यू कीर्तन है, बीच में 1 या 2 दिन नहीं होगा शायद। मेरे हिसाब से 28 तारीख को घर पे रहूँगा मैं, तो हॉलीडे रहेगा 28 तारीख को, देखते क्या होता है। और कल सुबह का काम तो लगभग नहीं के बराबर हो गया क्योंकि बारिश बहुत गिर रही है और वो ओपन में था, उनके पास कोई और रास्ता भी नहीं है करवाने का, तो शायद कल का कार्यक्रम कैंसिल हो सकता है। देन उसके बाद में है इवनिंग प्रोग्राम, इवनिंग का तो तूफान आ जाओ कुछ भी हो जाओ वो तो कैंसिल होने वाला है नहीं, तो देखते हैं कल के दिन क्या होता है। तो थोड़ी सी टेंशन बढ़ गई है अभी काम को लेके, क्योंकि बरसात रुकने का नाम ही नहीं ले रही है और आने वाले 3 दिन हैदराबाद में तेलंगाना रीजन में कुछ ज़्यादा बता रहा है बरसात। तो एक तरफ से टेंशन भी है थोड़ी, मतलब कैसे मैनेज करेंगे, एक दिन में 2-2, 3-3 काम है, बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही, तो क्या करना है कैसे करना है सब बाबा के हाथ में है। जैसे जैसे वो लेके जाएगा वैसे वैसे हम जाएंगे। तो चलो मिलते हैं कल फिर अगले व्लॉग में। नींद आ रही है भाई, फटाफट से खा के सोएंगे क्योंकि बहुत भीग गए, तो नींद तो आएगी अब, रात के 1:30 भी बज गए। चलो मिलते हैं अगले व्लॉग में। आपको आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताना, और चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और बस प्यार देते रहना, ऐसे ही आगे बढ़ाते रहना चैनल को। हाँ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, थैंक यू, 1 दिन में 8 सब्सक्राइबर बढ़े हैं, तो उम्मीद है जैसे जैसे लोगों को पसंद आ रहा है, वॉच आवर्स भी बढ़ रहे हैं, लोग देख रहे हैं व्लॉग, ये चीज़ अच्छी है। काफ़ी कुछ इम्प्रूवमेंट ला रहा हूँ अभी व्लॉग में, मतलब सीख रहा हूँ मैं भी कैसे कैसे करना है, क्या क्या करना है, तो देखते आगे कैसा होता है। तो बस ऐसे प्रेम बनाए रखना, प्यार बनाए रखना, और थैंक यू 19 सब्सक्राइबर, आई थिंक 19 सब्सक्राइबर्स हो गए अभी तक ये 4 दिन में, ये बहुत अच्छी बात है मेरे लिए। मिलते हैं अगले व्लॉग में, खुश रहे, मस्त रहे, जय बाबा की, जय हिंद, जय भारत। रात के 2 बज रहे हैं और हम बैम्बिनो खा रहे हैं, तो इसमें कोई शंका नहीं है कि मेरी वाइफ वर्ल्ड की सबसे बेस्ट वाइफ है, जो कि रात के 2 बजे उठकर मेरे लिए बैम्बिनो बनाकर लाई है। थैंक यू अंजलि।